अगर आपके भी कम एज में बाल झड़ रहे हैं या फिर बालों पे डेंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और नए बाल कैसे उगा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट जानने वाले हैं और आपकी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम जड़ से ही ख़त्म करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कम एज में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जब आपकी ज़्यादा एज होती जाती है उस टाइम तक तो आप पूरे टकले हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं और बहुत से लोगों के बालों पर डेंड्रफ काफ़ी ज़्यादा होता है, रूसी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके प्रॉब्लम से वो उसके बालों की जड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जो आपके हेयर्स के अंदर है वो धूम सा निकलता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको होम ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए। होम ट्रीटमेंट में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, सबसे पहले आपको दही लेना है 2 चम्मच। दही आपके घर पे होगा या फिर आप मार्केट से लेके आ सकते हैं, अच्छा वाला दही लेके आना है जो कि भाई खट्टा भी होना चाहिए। तो आपको 2 चम्मच दही लेना है और उस 2 चम्मच दही में आपको 1 चम्मच आपको नींबू का रस भी मिलाना है। 1 चम्मच आपको नींबू का रस मिला के उसको मिक्स कर लें और उसको मिक्स करके आप जब नहाने जा रहे हैं उससे आधे घंटा पहले आपके बालों पे आप लगा लें। जो जहाँ पर भी आपके बालों की प्रॉब्लम्स आ रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप सारे बालों पे लगा लें, अच्छे से उसका लेप लगा लें जो कि आपकी दाढ़ी के बालों की जड़ों तक पहुँचना चाहिए। तभी आपके बाल स्ट्रांग होंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी और जो आपके बालों में डेंड्रफ आ रहा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट्स बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, मैन वुमेन सभी कर सकते हैं। ये होम ट्रीटमेंट होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आप सबसे सस्ती कॉस्ट में आप आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो, आपके डेंड्रफ को आप कंट्रोल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो हमेशा के लिए और आपके हेयर की ग्रोथ आप तेज़ी से कर सकते हो। जहाँ पे आपके बाल झड़ चुके हैं वहाँ पे भी आप इसको लगाने के लिए ट्राई करें, आपके नए बाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसको आप कब कब लगाना चाहिए, देखो नहाने से पहले आप लगाएं आधे घंटा पहले और उसको आधे घंटे तक आपको लगे रहना देना चाहिए, या फिर आप अगर नाइट में लगाना चाहते हो तो आप आधे घंटे उसको लगा के आप उसको वॉश कर लें और ये आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करें। जब आप इसको ट्राई करोगे, इसको लगाओगे, तो आपके जो हेयर्स है वो सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे और जो दही होता है और नींबू होता है वो आपके बालों की जड़ों को बहुत बेहतरीन मजबूत कर देता है। बाल आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, बाल आपका झड़ने का कभी भी नाम नहीं लेगा। तो आप दाढ़ी पर भी यूज़ कर सकते हैं, बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। सभी एज वाले यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट जीरो है। वर्ल्ड वाइड जिनको हेयर्स की प्रॉब्लम्स कम एज में आ रही है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा एज के आप हो जाएगा उस टाइम आप गंजे टकले हो जाएगा। तो जब आपकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार आप हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के सोचते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आप तुरंत ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दही और नींबू का पेस्ट आप आधे घंटे लगाएं। बाकी आपकी जो कमेंट है वो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसके बेस पे हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।